ये मुआयना चल रहा है अभी। ये सभी यहाँ आज पंच के जो भी यहाँ कार्यकर्ता हैं, यानी कि संरक्षक है, पदाधिकारी है, इस कल का जो 4 फरवरी का रैली को आयोजन करता है, जिसका आम भूमिका है, सभी ने मुआयना कर लिया लगभग। आदिवासी एकता का महारैली है और आदिवासी का के ऊपर जिस प्रकार से हमला हो रहे हैं, उस हमले का कल जवाब देने के लिए मोराबादी मैदान का तैयारी है और ये तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, रातों रात में कंप्लीट हो चुका है। और ये तैयारी पूरा होने के बाद जिस प्रकार से कम हजारों से नहीं लाखों की संख्या में कल लोग आने वाले हैं और ये पूरे चेयर वेयर आ गए हैं और पूरे सारे मंच उंच रेडी हो गए हैं, पर बस पीछे में बैनर लगाना है, वो तुरंत लग जाएंगे। और जहाँ तक है कि पूरा तैयारी लगभग हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं इधर प्रकृति की पहचान हम इसमें है, क्या है, संविधान का दम और विभिन्न प्रकार का एक नया तरीका से इसको बनाया गया है, आप लोग देख सकते हैं ये चीज। इसमें क्या लिखा है, आदिवासी एकता महारैली, आदिवासी और दलित का साथ ही लिखेगा आप इतिहास। अच्छा, आदिवासी एकता महारैली, एक तीर एक कमान, सभी आदिवासी एक समान। आगे और एक ये है स्लोगन है, आदिवासी एकता महारैली प्राकृतिक पूजक आदिवासी समुदाय के लिए अलग सरनाधर्म कोड दिया जाए। बिल्कुल, आदिवासियों को सरनाधर्म कोड दिया जाना चाहिए या तो धर्म कोड दिया जाना चाहिए। जब तक धर्म कोड नहीं मिलेगा तो ये आदिवासी इधर उधर बह को उसको धर्म के नाम पे इधर उधर उलझते रहेंगे और आदिवासी का खात्मा जो हो जाएगा। आदिवासी की एक पुकार, पचो अनुसूची ही आवाज है ना, पचो अनुसूची बिल्कुल होना चाहिए। अगर पचो अनुसूची जैसे ही समाप्त हो जाता है तो आदिवासी भी समाप्त हो जाएंगे। और आदिवासी एकता महारैली, जनजातीय भाषा को सम्मान दो, हमारी हमारे भाषा का पहचान दो। बिल्कुल, जनजातीय भाषा का पहचान होना चाहिए, अन्यथा बहुत जल्दी ये भाषा लुप्त हो जाएगा। और आदिवासी एकता मंच का महारैली का उद्देश्य है आदिवासियों को बांटना बंद करो। बिल्कुल, आदिवासियों को आज धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है, तो विभिन्न तरीके से बांटा जा रहा है और बांटने के बाद वो लोगों का हक को छीना जा रहा है, सबसे बड़ी बात है ये। और आदिवासी एकता महा संविधान की गरिमा पहचान, हमारी आदिवासी से ना करो गद्दारी। अच्छा, आगे आगे स्लोगन क्या है, आदिवासी एकता महारैली का स्लोगन है, सभी सरकारी संस्थानों में आदिवासी कोटे की सभी रिक्त पदों पर ब्लॉक नियुक्ति किए जाए। बिल्कुल, रिक्त पद, बहुत सारा रिक्त पद है, लेकिन रिक्त पद होने के बावजूद भी नियुक्ति नहीं होता है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आदिवासी और मूलवासी झारखंड की तस्वीर दिखाती है, बिल्कुल ये तस्वीर दिखाती है। और इधर का स्लोगन हमने आप लोगों को दिखाया, मैं उधर का स्लोगन देखना चाहूँगा। अभी रात के कम से कम 11 बज गए हैं और मोरावदी मैदान में हूँ। और आप लोग देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर आप आदिवासी हैं तो। हम लोग और थोड़ा सा दिखाएंगे, मैदान बहुत बड़ी है, तो आप लोग देख रहे हैं मेन स्टेज वहाँ पर है और कुछ बैनर हम दिखाना चाहेंगे। ये मेन स्टेज है, यही स्टेज से होगा, पीछे में बैनर बड़ा लगेगा। और मैं अगला ये आप लोगों को दिखाता हूँ, आदिवासी एकता महारैली CNT एक्ट, एक्सपेटी एक्ट में छेड़छाड़ बंद कर उसे सख्ती से लागू किया जाए। बिल्कुल, CNT एक्ट जब तक रहेगा तब तक आदिवासी का जमीन सुरक्षित रहेगा। जिस दिन CNT एक्ट खत्म हो जाएगा उस दिन आदिवासी का जमीन भी खत्म हो जाएगा। फिर ये पहले आदिवासियत फिर सियासत, बिल्कुल आदिवासियत को पहले बचाना होगा, सियासत, आप कोई भी पार्टी में रहो पहले आदिवासियत को आप बचा पाएंगे तब आप पार्टी में रह पाएंगे, अन्यथा खत्म हो जाएंगे। आदिवासी के विस्थापन और पलायन पर रोक लगाने के लिए
कदम तत्काल उठाया जाए, बिल्कुल उठाना चाहिए चाहिए, क्योंकि पलायन बहुत ज़्यादातर हो रहा है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं पूरे झारखंड में, कोलान में लोग अपना जमीन जायदाद होने के बाद भी पलायन कर रहे हैं। पलायन का मुद्दा ये है कि लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, लोगों को ज़मीन जायदाद होने के बाद रोज़गार नहीं मिलना, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और प्राकृतिक पूजक आदिवासी समुदाय के लिए अलग सरना धर्म कोड दिया जाए, बिल्कुल आदिवासियों को कोड धर्म कोड मिलना चाहिए, अगर धर्म कोड नहीं मिलेगा तो दिक्कत है। फिर अगला, आदिवासी समुदाय की घटती आबादी को रोकने के लिए विशेष कार्य योजना बनाएं। देखिए आदिवासी समुदाय का यहाँ झारखंड में अगर आबादी घट रहा तो पलायन के कारण घट रहा, अन्यथा नहीं घटेगा। आदिवासी भी तो बच्चे पैदा करते हैं, ऐसे कि नहीं कि आदिवासी बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। अगला है, जल जंगल जमीन को उजाड़ने वाले होश में आओ। बिल्कुल जल जंगल जमीन अगर इस देश से यानी कि इस दुनिया से अगर ख़त्म होता है तो हमारे ऑक्सीजन में दिक्कत होता है और ये दुनिया में बहुत सारे बाधाएँ उत्पन्न होगी जो कि हम लोग को जीवित रहने यानी कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए दिक्कत होगा, मनुष्य ही नहीं सारा जीव जंतु के लिए भी। अगला है, चलेंगे साथ लड़ेंगे साथ न्याय का हक मिलने तक। बिल्कुल अगर साथ नहीं चलोगे तो न्याय नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट है, भेद नहीं एक है हम आदिवासी को ना बांटो। बिल्कुल हाँ, ये रे स्लोगन भी अच्छा है, भेद नहीं एक है हम आदिवासी को ना बांटो। बिल्कुल आदिवासी में आजकल बहुत भेद बहुत ज़्यादा होता है कि हम संताल है, हम उराव है, हम मुंडा है, हम वो है, लेकिन आदिवासियों में एकता की कमी है। इस चीज़ को दूरी मिटाते हुए इसको समझना चाहिए और एक ये में आना चाहिए, आदिवासी एकता दिखाना चाहिए। जमीन माफिया होश में आओ, लूट कसूट से बाज आ जाओ। जमीन माफिया में आजकल आदिवासी लोग भी इसमें खास ये निभा रहे हैं, क्योंकि आदिवासी लोग ही अपने कुछ फायदे के लिए, कुछ हिस्सेदारी के लिए अपने आदिवासी भाइयों की ज़मीन को किसी सौदेबाजी करके बेच दे रहे हैं। इसका आप लोग उदाहरण देख सकते हैं, अगर ये माफिया दलाल के वजह से ही ऐसे हो रहा, नेता नहीं होता। अगला पॉइंट आप लोग को दिखा रहे हैं, संविधान बचाओ आदिवासी बचाओ। बिल्कुल संविधान बचेगा तो आदिवासी बचेगा, अगर संविधान ही नहीं बचेगा तो आदिवासी भी नहीं बचेगा। आगे एक स्लोगन है, आदिवासी समुदाय के लिए अलग दर्रा सुनाओ। ये तो आप लोगों को दिखाए ही थे, लगा हुआ होगा, आगे भी वही चीज़ लगा हुआ है धर्म कोड को लेकर के। आगे कुछ पॉइंट है, दिखाने की कोशिश करूँगा, अगर वो अलग है तो ज़रूर दिखाऊँगा। ये आदिवासी एकता महारैली के आदिवासी समुदाय के सभी धार्मिक सामुदायिक सामाजिक जमीन को चिन्हितकरण करके दस्तावेज जारी किया जाए। बिल्कुल दस्तावेज जारी करना चाहिए, अन्यथा आदिवासियों का जितने भी धार्मिक स्थल हो, शमशान घाट हो और कुछ भी चीज़ बच नहीं रहा है, सारे को किसी को ज़मीन को बेच दिए जा रहे हैं, ये भी अच्छा ये था। और अगला है, जमीन जंगल और जल आदिवासियों को देता है बल। बिल्कुल अगर जमीन जंगल और जल नहीं रहेगा तो आदिवासी ही नहीं, इस दुनिया से मनुष्य ही ख़त्म हो जाएंगे या पूरा जीव जंतु ख़त्म हो जाएगा। अगला है, ये आदिवासी और संविधान भारत की पहली पहचान। बिल्कुल संविधान भी पहला है और आदिवासी भी पहला है। अगर आदिवासी जिस दिन ख़त्म हो जाएगा पूरा देश ख़त्म हो जाएगा, अगर संविधान जिस दिन ख़त्म हो जाएगा उस दिन देश भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्या कि आदिवासी ही है तो यहाँ देश यानी कि दुनिया बचा हुआ है, क्या कि आदिवासी एक ऐसी चीज़ है। आप लोग देखते हैं कि आदिवासी ही जल जंगल जमीन या पेड़ पौधों का रक्षा के लिए लड़ाई लड़ते हैं, अन्यथा कोई भी समाज आज तक आप देखे हैं ना, हम देखे हैं कि जल और जंगल के लिए हमेशा आदिवासी ही लड़ते हैं, इसीलिए आदिवासी और ये पहली पहचान है यानी देश का। इसी के साथ ये रैली का ये हम लोग को पोस्टर दिखाए, अगर आप लोगों को समय मिलेगा तो ज़रूर आइएगा। इसी के साथ मेन स्टेज इधर है, चलिए इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। Thank you.